हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। अनुपात और समानुपात, तो आज मैं आपको अनुपात और समानुपात का पार्ट थर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। और इसको अच्छे से समझने के लिए आपको क्या है, पहले हिस्से को समझना जरूरी है। तो यदि ये हिस्सा आपके समझना आए तो पहले वाले दो पार्ट को देख लेना, टाइप थर्ड। आज मैं आपको टाइप थर्ड बताने जा रहा हूँ। यदि कोई राशि R है, यानी कुल राशि कितनी है हमारी R है, और A और B के बीच A अनुपात B, यानी A का अनुपात A है और B का अनुपात B है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो पहला अनुपात होता है पहले के लिए और दूसरा अनुपात होता है दूसरे के लिए, में बांटा जाना है तो A का भाग, A का भाग। तो ये आपका टाइप है, सूत्र मान लीजिए। तो ये क्या है, ये है कुल राशि। तो कुल राशि जो तुम्हारी है, इस कुल राशि में इन अनुपाती योग का भाग देना है आपको, ठीक है, गुणा में। अब क्या निकला है, ए का भाग निकाला है। क्या है, ए का भाग निकाला है, तो बटे में ए का अनुपात कितना, ए, ठीक है। अब ऐसे ही ये तो हो गया कुल राशि, बटे में अनुपातों का जोड़, अनुपातों को जोड़ के नीचे रख देना है। अब इसमें B का हिस्सा निकाला है तो B का अनुपात से गुणा करना है। अब मान लीजिए A और B को आपका अंतर निकालना है, A और B का अंतर निकालना है, तो क्या करेंगे हम, A और B अनुपात का अंतर करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। तो यानी आपका आर क्या है, कुल राशि, तो इनके अनुपातों के जोड़ से भाग दे देंगे गुणा में। अब क्या है, अंतर निकालना है तो जो बड़ी है उसमें से छोटी वाले को घटा देंगे, ठीक है। ए माइनस बी, इसका मतलब है, इस चिन्ह का मतलब कि जो बड़ी है उसमें से घटा देंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से लिए। संगीता और प्रीति ने एक राशि मिलकर, यानी संगीता और प्रीति ने एक राशि मिलकर, यानी दोनों को प्लस दिया है, दोनों का प्लस दिया 6630 जमा किए, जो कि 4:9 के अनुपात में, 4:9 के अनुपात में, तो संगीता ने कितना धन जमा किया। देखिए पहले ये निकाल लीजिए आप लोग कि संगीता और प्रीति ने मिलकर, एक साथ मिलकर 6630 रुपये जमा किए, ठीक है। तो यहाँ इनका अनुपाती योग कितना हुआ, 9:4, यानी जोड़ के हो गया ये आपका 13, कितना हो गया 13, कितना हो गया आपका ये 13 हो गया, ठीक है 13। तो ये संगीता का हिस्सा निकालना हमको, किसका निकालना है, संगीता का, संगीता का हमको हिस्सा निकालना है। तो देखिए कुल राशि में 6630 कुल राशि, ये क्या है, संगीता और प्रीति का मिलकर हिस्सा है, संगीता और प्रीति का मिलकर हिस्सा, तो इनके अनुपातों का जोड़, यानी ये इनकी राशि का जोड़ है, तो इनके अनुपातों के जोड़ से भाग दे दीजिए, ये लीजिए दे दिया। अब हमको संगीता का हिस्सा निकालना, संगीता का हिस्सा कितना है हमारा 4, संगीता का हिस्सा कितना है 4, तो 4 से गुणा कर दीजिए, 13×5=65, बचा 1 और 13 का 13, अब ये हो गया 510 गुणा में 4, 0×4=4, 4×5=20, ठीक है। मान लीजिए हमको निकालना था प्रीति का हिस्सा, किसका निकालना था, प्रीति का, ठीक है। अब देखिएगा कुल राशि 6630 है, इनका जोड़ 6630 है, अनुपातों का जोड़ से भाग दे दीजिए गुणा में। प्रीति का हिस्सा कितना है 9, तो ये पहली की तरह ही 510 बार कटेगा, तो 510 गुणा में 9, ठीक है, 0×9=9, 9×5=45, ठीक है, 9×5=45। अब मान लीजिए हमको संगीता और प्रीति का हमको एक साथ हिस्सा निकालना है, संगीता और प्रीति का एक साथ हमको हिस्सा निकालना है, उसकी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमें दिया हुआ है। चलिए माना इनकी राशियों में अंतर कितना है, अंतर कितना, ये भी पूछ सकता है। तो
कुल राशि 6,830 है बटे में 13, अंतर इन दोनों में अंतर कितना है, यानी 9 - 4/5 का अंतर है, तो 5 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 510 बार कट जाएगा, इसका गुणा कर दिया 0, 5 और 50, 25, ठीक है, ये आपका आ गया। देखो ये प्रीति का हिस्सा, प्रीति के हिस्सा में से संगीता का हिस्सा घटा के देख लो, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर तुम्हारा उत्तर सही है कि ना, दोनों को जोड़ देख लो, 6,730 आना चाहिए, ठीक है। इसको हम जैसे हमने संगीता का निकाल लिया, संगीता के में से हिस्सा यानी दोनों के हिस्से में से संगीता का हिस्सा घटा के देख लो, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, लड़के और तथा लड़कियां 8:5 में है, 8:5 में है, यदि कुल छात्र 416 हैं, कुल छात्र कितने हैं 416, तो लड़के और लड़कियों के बीच में अंतर कितना है। देखिए इसमें एक विद्यालय में क्या दिया हुआ है, लड़के और लड़कियों का अनुपात, देखिए अगर कुल छात्र माने लड़के प्लस लड़कियां, कुल छात्र माने लड़के प्लस लड़कियां, तो अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 8 और 5 = 13, तो अनुपातों का योग 13 हो गया। अब यदि कुल छात्र 416 है, अब पूछा अंतर कितना है, लड़के व लड़कियों के बीच अंतर कितना है, अब अंतर निकाल लीजिए, 8:5 है, तो इनका अंतर हुआ 3, अंतर कितना हुआ 3, योगफल कितना हुआ 13, तो कुल छात्र कितने हैं 416। देखिए यहाँ ध्यान दो, कुल छात्र 416 जो यहाँ दिया है उससे भाग दो, तो अनुपातों के योग से भाग दो। अब निकालना है हमको अंतर, तो अंतर से आप गुणा कर दो, जो निकालना है उससे गुणा कर दो, और जो दिया है उसको योगफल दिया तो योगफल से भाग दे दो। यदि लड़के दिए होते, यहाँ पर लड़के दिए होते तो लड़कों से भाग देते, यहाँ लड़कियां दी होती तो लड़कियों के अनुपात से भाग देते, और जो निकालने के लिए कहता उसे गुणा करेंगे, तो 13 + 13 और 13 = 39 हो गए, बचे कितने 2 और 13 = 26, ये 32 × 2 = हो गए हमारे 64, कितने हो गए, बराबर हो गए हमारे 64, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारे हो गए 64, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे अंतर 3 है और मैंने यहां 2 लिख दिया, अंतर यदि 2 होता तो 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने 2 लिख दिया, लेकिन अंतर हमारा है कितना 3, कितना अंतर 3 है, 3 अंतर है हमारा, ठीक है, तो 3 से गुणा कर देंगे, तो ये तो कटेंगे उतने ही बार, 32 बार, और 32 गुणा में 3 यानी 32 * 96, 3 × 6 और 3 * 9, तो हमारे पास ये लड़का और लड़कियों का अंतर आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए तुमको लड़के निकालने, कितना निकालने हैं लड़के, तो ये 416 क्या है तुम्हारा, 416 जो तुम्हारा है कुल, तो कुल कितना है, अनुपातों का योग कर, कुल यानी अनुपातों का जोड़ है। अब गुणा में आपको क्या करने हैं, लड़के और लड़कियों के बीच में, यानी हमको लड़के निकालने हैं, लड़के कितने हैं हमारे 8:5 में, तो ये तो उतना ही कटेगा 32 बार, तो 32 गुणा में 8 कर दो, 8 × 16 हंस लगी, 8 * 24 = 25। अब लड़कियों निकालनी है तो 416 में से इन लड़कों को हटा दीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं, टाइप नंबर 3, जब अंतर दे रखा हो, जब अंतर दे रखा हो, ए और बी का अनुपात दिया, ए और बी का अनुपात दिया, ए और बी के हिस्से का अंतर आर हो तो, ठीक है, यहाँ क्या दिया है, ए और बी का अंतर, ठीक है,
ए और बी के अंतर दिया है, ये है ए और बी का अंतर है, ठीक है। अब इसमें अंतर दिया है तो अंतर से ही हमको भाग देना होता है, जिनसी संख्या बड़ी है तो अंतर हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हमको ए निकालना है तो ए का अनुपात ए दिया हुआ है, और बी का, और बी निकालना है हमको तो यहाँ बी कर देंगे, यदि इनका जोड़ निकालना है तो हमको ए प्लस बी कर देंगे। चलिए अगला देखते हैं, सुरेश और प्रभात के अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक का अनुपात 3:4 है, सुरेश का 3 है और प्रभात का 4। यदि प्रभात को सुरेश से, यानी प्रभात को सुरेश से 25 अंक ज्यादा मिले, ठीक है। अब यहाँ जो 25 अंक अधिक प्राप्त, यदि प्रभात को सुरेश से 25 अंक अधिक प्राप्त हुए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों का अंतर दिया है, यानी प्रभात के में से सुरेश को घटाएंगे तो 25 आएंगे, ठीक है। क्योंकि यानी सुरेश को प्रभात, यानी प्रभात को सुरेश से कितने अंक ज्यादा मिले हैं, 25 अंक ज्यादा मिले हैं, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है, ये सुरेश और प्रभात के प्राप्त अंकों का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा अच्छे से, देखो आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये P4 प्रभात लिख दिया है, S4 सुरेश लिख दिया, ठीक है। तो मैंने कहा था जो यहाँ दिया है उसका ये, उस ये अंतर दिया है, तो अनुपातों का वही करो, 4-3 ठीक है बराबर 1। तो हमें क्या निकालना है, 25 अंक प्राप्त हुए तो नंबर 1 प्रभात को, यानी सुरेश को कितने अंक मिले, सुरेश को कितने अंक मिले। तो देखिएगा सुरेश, यानी ये क्या है, अंतर दिया हुआ, क्या दिया है, ये हमारा अंतर दिया हुआ, क्या दिया है, अंतर दिया हुआ, 25 क्या है, अंतर, ठीक है। अब जो यहाँ दिया होता है उसी को यहाँ करना होता है हमें, तो ये हमारा अंतर आ गया 1, 4-3। अनुपातों में वही करना होता है जो यहाँ दिया होता है, गुणा में। अब हमारा जो दिया है अंतर, अब देखिए हमें निकालना सुरेश को कितने अंक प्राप्त हुए, सुरेश का अनुपात कितना है, 3। तो देखिए 25 × 3/1 से भाग देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 × 75 अंक प्राप्त हुए, ठीक है। अब नंबर दो में है हमारा कि हम मान लीजिए अब निकाल लें प्रभात का, किसका निकाल लें, प्रभात का, अब हम निकाल लें प्रभात का, ठीक है। तो ये क्या है, अंकों का अंतर दिया हुआ है 25, ठीक है, और ये अंकों अनुपातों का अंतर 1, अनुपातों का अंतर 1 यहाँ निकाला था, अनुपातों का अंतर 1 गुणा में प्रभात कितना है हमारा, प्रभात ये है हमारा 4, प्रभात का अनुपात कितना 4, 25 × 100 1 से भाग देंगे कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखिए उत्तर, यानी ये हमारा है प्रभात को सुरेश से, ये हमारा प्रभात है, ठीक है, और ये हमारा सुरेश है, सुरेश से प्रभात को, यदि प्रभात के अंकों में 25 जोड़े हैं, सुरेश के अंकों में 25 जोड़े तब प्रभात के बराबर जाएगा, तो सुरेश के हमारे आए हैं 75 अंक, और यहाँ में 25 जोड़ दो बराबर 100, तो ये ही अंक हमारे प्रभात के निकल के आए, तो इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है, एकदम फिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ही आय, आय माने आमदनी तथा व्यय का अनुपात, ये हमारी आय है, ये हमारी आय, और ये हमारा क्या है, व्यय, क्या है हमारा, व्यय, ठीक है। आय और व्यय दिया हुआ है, ठीक है, उसकी आमदनी 5 हिस्सा है और खर्चा 4 हिस्सा, 5 हिस्सा में से 4 हिस्सा उसके खर्च हो जाते हैं, केवल 1 हिस्सा बचता है। यदि उसकी आय उसके व्यय से 800 अधिक है, ठीक है, यदि अधिक या कम दिया हो, अधिक या कम दिया हो, तो इसका अर्थ होता है कि अंतर दिया है, क्या दिया है, अंतर। यदि उसकी आय उसके व्यय से 800 रुपये अधिक है, 800 रुपये अधिक है,
यानी अधिक दिया हो या कम दिया हो, इसका मतलब अंतर दिया है। तो इन अनुपातों का अंतर कितना आ गया, इन अनुपातों का अंतर आ गया एक, ठीक है। तो हम क्या निकालनी है, तो उसकी कुल आय कितनी है, तो हमको निकालनी है कुल आय। क्या निकालनी है, कुल आय, ठीक है बच्चों। अब देखिए 800 क्या है, यानी आमदनी और खर्चा का अंतर, ठीक है। यदि हम व्यय खर्चा में, व्यय में 800 रुपये और खर्च कर दें तो हमारी आमदनी के बराबर हो जाएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा। तो दोनों का अंतर 800 रुपये, दोनों का अंतर दिया है, गुणा में कुल आय, आय की आय कितने हिस्से हैं, 5 हिस्से, 8 पंजे 40, 4000 रुपये, ठीक है, कितने हुए 4000, ठीक है। तो अब यदि हमें व्यय निकालना है, व्यय, ठीक है, क्या निकालना है, व्यय निकालना है, तो अब हमको निकालना है व्यय, तो व्यय हमारा कितना है, ये 800 क्या है, खर्चा और आमदनी और खर्चा का अंतर, अंतर का अनुपात का अंतर कितना है, एक, गुणा में व्यय कितना है, 4 अनुपात 4 8 32। अब ये अंत, इसको घटा लीजिए, ये हो गया 800। कोई दिया है कि जो खर्चा है वो खर्चा, ठीक है, आमदनी खर्चे से 800 रुपये अधिक है, आमदनी खर्चे से 800 रुपये अधिक हो गया, ठीक है, कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रम से ये दिया, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या, देखो क्या दिया है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या ये है, तो स्कूल में कुल कितने छात्र, पहले आप ये जान लीजिए, जैसे ये है लड़का, क्या है, लड़का, लड़के, और ये है लड़कियां, ठीक है, इनका जो अनुपात दिया है 4:5:3.5, ठीक है, ये दिया हुआ। तो बच्चों इसमें जैसे तुमको कोई दिक्कत आए, यहाँ 0.1 है और यहाँ भी 1.1, तो आप इस दशमलव को कैंसिल कर सकते हैं, ये कर दिया, ये हो गया 35 45, और ये हो गया 35, ठीक है, तो इसे काट दीजिए, 5 9 45 और 5 7 35, ये इस प्रकार से तुम किसी अनुपात को सरल भी कर सकते हो, जो तुम्हारे अकॉर्डिंग आ जाएगा। दशमलव की संख्या रहेगी तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, या 4.5 और 3.5, इन दोनों में 2 से गुणा कर दो, किसी भी अनुपात में एक राशि से एक संख्या से गुणा कर सकते हैं अथवा भाग दे सकते हैं, तो ये 9 आ गया, ये 7 आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो कैसे भी करके इनको हल कर लीजिए। अब लड़का लड़कियों का जो अनुपात पढ़ा जाए वो बॉयज हो गए और ये गर्ल्स हो गए, लड़कियां, लड़का 9 है तो लड़के 9 है तो लड़कियां हैं तुम्हारी 7, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं, ये क्या है, ये दिया है तुम्हारा, ठीक है, ये लड़कियां दी हैं, लड़कियां की है, तो स्कूल में कुल कितने छात्र हैं, कुल छात्र, ठीक है, कुल छात्र, ठीक है। अब देखो यहाँ समझो, थोड़ा यहाँ सस्पेंस में मत हो जाना, जैसे लड़कियां, लड़के, लड़कियां, यहाँ अलग अलग सब यूज किया है, और यहाँ कह रहा है कि कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं, यहाँ इसने ऐसा कहा है, ठीक है। तो कुल छात्र हैं हमारे 9+7=16, ठीक है, यानी छात्र छात्राओं के बारे में पूछ रहा है, यहाँ शब्द है लड़का लड़की, यहाँ कुल कितने छात्र हैं, तो यहाँ पर 1540 बटे में, आप देखो यहाँ इधर देखो कि ये क्या है, 1540 लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों का अनुपात कितना 7 है। अब हमको निकालना है कुल कितने छात्र
छात्र है 16, ठीक है, 7 × 14 बचा 1 और 7 × 14 और 0। अब ये हो गया 220 गुणा में 16, तो 0 16 × 32 और 16 × 32, देखो 0 और 16 × 32 32 के 2 को आंसर लगी 3, आंसर कितनी लगी 3, और 16 × 32 और 3 35, ठीक है। अब हमारे कुल छात्र आ गए यानी कुल लड़का प्लस लड़की आ गई। अब इसको लड़का निकालना है तो इनको इसमें से घटा दीजिए, ठीक है, लड़का हमको निकालना है तो इस कुल छात्रों में से लड़कियों की संख्या घटा दीजिए, अथवा कैसे कर लीजिए, इसको तुम निकालो कितने लड़के हैं, जैसे आपको आंसर देना है। तो ये उदाहरण नंबर 13 और ज्यादा नहीं है तो ई एक्स 13 तब आंसर दो देना, ठीक है, लड़के कितने हैं, या ऊ 13 लिख के आंसर दो जिससे हमें पता चले किसका आंसर दिया है। तो आपको लड़कों की संख्या हमको बतानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 ÷ 3 = 4 के अनुपात में 3:4, पहला धन ये है और दूसरा धन ये है, यदि पहला धन 81 है तो दूसरा धन ज्ञात कीजिए। दूसरा हमको क्या ज्ञात करना है, दूसरा धन ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, पहला धन जो यहाँ दिया हो उसे ऊपर रख लो, ये क्या दिया है पहला धन, पहले धन का अनुपात कितना है 3, तो दूसरा धन निकालो, दूसरा धन कितना 4, जो यहाँ दिया है उसके अनुपात से हम भाग देंगे, यदि अनुपात पहला दिया है तो पहले अनुपात से भाग देंगे, दूसरा दिया है तो दूसरे अनुपात से भाग देंगे, योगफल दिया है तो योग अनुपात के योगफल से भाग दीजिए, यदि ये अंतर दिया है तो अनुपात के अंतर से भाग दीजिए, गुणा में 4, 3 से काट दो 3 × 6 बचे 2 के 21, ठीक है, 27 गुणा में 4, 4 × 7 = 28, आंसर लिख दो 4 × 8 = 10, ठीक है। तो दूसरा धन हमारा 108 रुपए है, दूसरा धन हमारा कितना है 108 रुपए है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है, यदि उसने पूछा होता दोनों धनों का योगफल तो इन दोनों को जोड़ देते, एक तो ये है इन दोनों को जोड़ देते, ठीक है, और दूसरा ये है कि 81 क्या दिया है हमें, दिया है ये एक का हिस्सा यानी पहले का हिस्सा, और हमें निकालना है दोनों का हिस्सा 4 और 3 = 7, ऐसे निकालो 7 × 7 और 7 × 8 = 56, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा, देखिए इसको बटे में, अब देखिए ये बटे में 3 कर लीजिए और भाग दे दीजिए, या इसको ऐसे कर लीजिए, कितनी बार कटेगा हमारा ये 27 बार कटेगा, तो ये हमारा 27 × 7 = 7 × 4 = 7 × 14 = 18, ठीक है, 189, 108 और 81, 189, ठीक है, ये वाला तो 9, 8 ये, ठीक है, इसको हम काटेंगे तो ये भी 189 आ गया, ठीक है। चलिए अब आप सूत्र से क्या है अंतर बताएं, दोनों धनों का अंतर कितना है, यानी बी माइनस ए निकाल लीजिए चाहे ए माइनस बी निकाल लीजिए, दोनों धनों का अंतर तो मैंने बताया था, जैसे उदाहरण देना है तो कम से कम 14 लिख के उदाहरण देंगे, ठीक है, कैसे देंगे, ई एक्स एग्जाम्पल 14 का उदाहरण, या ऊ लिख के 14 लिखेंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चल सके कि आपने क्या कौन सी का आंसर दिया। चलिए अब देखिए यहाँ तक तो थे हमारे 2, अब यदि 3 दिए हो तो क्या करना है, ए बी सी के बीच एक राशि को ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में वितरण करना है, यदि बी को आर राशि मिले तो ये क्या है बी का अनुपात यानी राशि है आर, और इसको मिली है देखिएगा, तो यहाँ राशि आर है, ये राशि किसकी राशि आर है बी की, तो आर बटे में बी की राशि, अब जो पूछे ए का हिस्सा तो ए से गुणा कर दो, सी का हिस्सा पूछे तो सी का गुणा कर दे, तीनों का योगफल पूछे तो तीनों के योगफल से गुणा कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ व सा के बीच एक राशि क्रमशः 2, 3,
दो के अनुपात में वितरण करना है। यदि आ को 600 रुपए मिले, आ को कितना रुपए मिले 600, ये हमारा आ है, ये हमारा बा है और ये हमारा सा है, ठीक है। तो बा और सा को कितने रुपए मिले, बा और सा को कितने मिले, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आ बा और सा को, बा और सा को कुल कितने रुपए मिले, ये पूछ रहा है। यानी बा का 3 है और सा कितना है 2 है, ठीक है, ये हो गया हमारा 5, इनका योगफल अनुपातों का योगफल हो गया 5। अब हमको निकालना है बा प्लस शाखा रुपए कितने। तो देखो भाई ये 600 क्या है, 600 हमारा है आ को प्राप्त हुए भी, तो मैंने बताया था जो दिया हो उससे भाग दो, हमें दिया है आ का गुणा में दोनों का योगफल, ये निकाल दिया। तो भाई ये हो गया 300 और 515, दोनों को 1500 रुपए मिले। चलिए अब हमको आ प्लस बा प्लस सा तीनों को निकालना हो तो तीनों का योगफल हो गया, यानी ये तो हमारा 600 बटे में 2 यानी 3 से आ गया, ये तो है ये। अब हमें तीनों का योगफल निकालना, 3 और 2 5 और 2 7, 7 या 21 से हो गया, ठीक है 21 से हो गया। अब देखिए आ आ का 600 है और बा और सा का 1500 है, 1500 600 21 से हो गया, यही उत्तर आ गया, ठीक है। जो भी निकालना हो, मान ली तुमको आ और बा का निकालना हो तो गुणा कितने से करते, 3 और 2 5 से करते, बा और सा का तो हमने निकाल ही दिया है, ठीक है। इस प्रकार से हम कोई भी प्रश्न अनुपात समानुपात के प्रश्न बड़े आराम से कर सकते हैं। इसी से मिश्रण के प्रश्न भी इनसे हल होंगे और प्रसत वाले प्रश्न में इसका प्रयोग होगा और लाभ हानि वाले में भी इसी का प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रकार है, एक फैसले के अनुसार 4500 रुपये आ बा शाम के बीच बांटे जाए, यानी ये क्या दिया है, कुल रुपये दिए, ठीक है। यदि धन राशि क्रम से आ की धन राशि 4, बा की 3 और सा की 2 है में अनुपात बांटी गई तो ये हमको क्या दिया है, ये दिया है आ प्लस में बा प्लस में सा दिया है, ठीक है। तो इनका अनुपात कर लो, अनुपातों को जोड़ लीजिए, ठीक है, 3, 4, 3, 7 और 2, 9 अनुपातों को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो अनुपात जोड़ लिए हमने, आ वा सा तीनों अनुपात जोड़ लिए। अब हमने क्या लिखा, आ और सा के हिस्सों के में कितना अंतर है, क्या निकालना है, कितना अंतर है। तो आ और सा, आ कितना है हमारा 4, बा कितना है हमारा 3 और सा कितना है हमारा 2। आ और सा इनके बीच में अंतर पूछा है सर, तो 4 - 2 = 2 आ गए, ठीक है। अब ये जो तो आ माइनस सा का अंतर निकालना है हमको, तो यहाँ हमको माइनस नहीं लेना, प्लस ही लेना है, क्योंकि उसको कितने रुपए, उसको कितने रुपए मिले, दोनों को कितने रुपए मिले, ठीक है, उससे क्या मतलब, हमें तो बताना है कि कितने रुपए ज़्यादा या कम मिले, ठीक है, इतना नहीं बताना है, कम या ज़्यादा ये अंतर कितना है। तो ये हमारा 4500 है, क्या 4500 है हमारा इन सब का योग, तो अनुपातों का योग से भाग दे दीजिए, गुणा में निकालना क्या है, आ और सा के अंतर, तो इनके अनुपातों के अंतर से गुणा कर दीजिए, 9 × 45 = 10 यानी 1000 रुपये दोनों के बीच का अंतर है। अब मान लीजिए हमको निकालना होता, ये क्या दिया, आ और सा के, यानी आ का निकालना होता, तो सीधी सी बात है 4500 गुणा में आ का भाग कितना है 4, ये कितना है 9, 4500 × 9 = 4500 = 20, ठीक है 2000 हो गए। अब बा का निकालना होता तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देते, बा का निकालना होता तो 3 से गुणा कर देते, सा का निकालना होता तो 2 से गुणा कर देते। चलिए आप मुझको ये बा और सा के योगफल, यानी ये बा और सा का योगफल, मैंने आ का तो निकाल दिया, ठीक है, अब बा का निकाल के दिखाओ तो और सा का निकाल के दिखाओ, ठीक है, इन दोनों का ये निकालो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम,
14। ये उदाहरण नंबर आपका हुआ 15 और ये उदाहरण नंबर हुआ आपका 16। ठीक है, तो आप मैंने बताया था उदाहरण 16 लिख के आंसर देंगे। बा को कितना मिला, सा को कितना मिला, दोनों का योगफल कितना है, ठीक है, ये हमको बताएंगे। चलिए, ये हमारा है 17वां प्रश्न है। यदि किसी कृषि फार्म में 3618 पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं हमारे किसी कृषि फार्म में 3618 पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं 3618 पेड़ हैं, इसमें जिसमें कितना काजू आम और नारियल के वृक्षों की संख्या का अनुपात है, यानी काजू 1:1 में है, आम 3:3 में है और नारियल 5 में है, ठीक है, यानी काजू का 1 पेड़ है तो आम के 3 पेड़ हैं, नारियल के 5 पेड़ हैं, नारियल है, ठीक है, तथा नारियल के वृक्षों की संख्या का अनुपात ये दिया है, तो कृषि फार्म में नारियल के वृक्षों की संख्या ज्ञात करो। तो कृषि फार्म में नारियल के वृक्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो कुल वृक्ष कितने हैं हमारे, इसमें हमारे कुल वृक्ष 3618। कुल वृक्ष कितने हैं 36, हमें कहाँ निकालना, नारियल के वृक्षों की संख्या निकालनी, क्या निकालना, नारियल, हमें नारियल के वृक्षों की संख्या निकालनी है बच्चों, ठीक है। अब कुल ये क्या 3618, ये है किसी, यदि किसी कृषि फार्म में 3618 पेड़, यानी कुल वृक्ष 3618, तो इसका मतलब क्या है, हमको इनका कुल निकालना है, क्या निकालना है, अनुपाती योग, तो 1 और 3 4 4 और 5 9, ठीक है, गुणा में नारियल के वृक्षों की संख्या ज्ञात करो। नारियल के वृक्ष कौन से हैं, देखो तीसरे नंबर पर नारियल है, यानी नारियल की संख्या 5 5, ठीक है, 9 चौका 36, बच्चा कुछ नहीं, 1 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, उसकी जगह 0, 9 2 18 गुणा कर दो, 5 2 10 और 5 2 10 और 5 चौका 20, यानी नारियल के वृक्षों की जो संख्या है निकल के आई हमारी 2010। अब प्यारे बच्चों, आपको उदाहरण ऐसे एग्जाम्पल 17 लिख के आंसर देना है, ठीक है, एग्जाम्पल 17 लिख के ऐसे लिख के आंसर देना है कि काजू के पेड़ कितने हैं, आम के पेड़ कितने हैं और इन पेड़ों का योगफल कितना है, इसका आंसर देना है। जैसे जब आंसर दो तो इतनी जल्दी आप दे नहीं पाओगे, तो थोड़ा वीडियो को रोक लेना, हल करके फिर आंसर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ व सा की मासिक आय का अनुपात, आ व सा, तो आ की देखो ये मासिक आय दी है, क्या दी है, मासिक आय यानी महीने की आय, आ का 2:3:5, यानी आ को यदि 2 रुपये मिलते हैं तो बा को 3 रुपये मिलते हैं और सा को 5 रुपये मिलते हैं। यदि सा की मासिक आय आ की मासिक आय से 1200 अधिक है, देखिए 1200 अधिक है, यदि सा की मासिक आय आ की मासिक आय से, आ की मासिक आय से 1200 अधिक है, इसका मतलब क्या है, सा ज्यादा कमाता है आ से, सा ज्यादा कमाता है, कितने ज्यादा कमाता है 1200, अंतर दिया है भैया, तो बाकी वार्षिक आय कितनी है, बाकी वार्षिक आय कितनी है ये पूछा आपसे, ठीक है, तो बाकी क्या पूछिए, वार्षिक आय, क्या पूछिए, वार्षिक आय। चलिए बच्चों देखते हैं, ये क्या है 1200, 1200 क्या है, आ सा यानी ये सा की मासिक आय आ की मासिक आय से 1200 अधिक है, यानी सा और आ का अंतर 1200 दिया, तो इनके अनुपातों का अंतर, सा का है 5 और आ का है 2, तो इनका अंतर निकाल लो, तो इनके अंतर से भाग दे दो। अब निकालना तुमको क्या है, बा निकालना है, क्या निकालना है, बा का कितना है तुम्हारा भाई, 3 3, ठीक है, तो ये हो गया 1200 गुणा में 3 बटे में 3, 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 1200, ठीक है। अब आपको आ की भी, ठीक है, अब ये हो गया कितना, हो गया 1200, ठीक है,
कितना हो गया 1200। लेकिन ये क्या है, यहाँ ध्यान दो मासिका है, कितनी है मास। तो एक हम यहाँ हमने क्या निकाली है वार्षिका है, तो एक महीने में कितने, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, एक ठीक है गुणा में 12, गुणा में 12, यानी एक महीने की वार्षिक आय, एक महीने की मासिक आय 1200 रुपये है, तो 12 महीने की 12 गुणा 12 144 होते हैं, 12 गुणा 12 144। अब तुमको उत्तर देना है उदाहरण नंबर, ये हमारा उदाहरण नंबर 17 है, कितना है 17, ठीक है। अब आपको उत्तर देना है, बाकी तो वार्षिक आय निकाल दी, आ की वार्षिक आय कितनी है, ठीक है, सा की वार्षिक आय कितनी है, ये निकालनी है आपको, ठीक। और ये भी निकालना है कि आ वा और सा, यानी तीनों की वार्षिक आय कितनी है, आपको एग्जाम्पल लिख के 18 लिख के तब इसका आंसर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा स्लिप खत्म हुआ। तो प्यारे दोस्तों भाइयों बहनों, ये सब समझ लीजिए कि यहाँ पर जो मैंने कराया है, ये तीसरा पार्ट है, दो पार्ट मैंने आगे कराया था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसको, जब इसको समझने से पहले पहले बार को अच्छे से समझ लेना और दूसरे भाग को अच्छे से समझ लेना, तब इस पर आना। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, जय हिंद।